हेलो जी, क्या हाल चाल है आपके? मैं बहुत ही बढ़िया हूँ एंड आई एम होपिंग कि आप भी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज ना यार, मैं घर आई हुई थी, मैं अभी अपनी अलमीरा क्लियर कर रही थी, सो आई गॉट वन रजिस्टर जिसमें इतना सारा कुछ लिखा हुआ है। आई होप आपको दिख रहा होगा। अब ये चीज़ अगर आपने अपनी लाइफ में करी ना, आई एम 100% श्योर कि आपको अपनी लाइफ में चेंजेस दिखने शुरू हो जाएंगे। ये है क्या? हम यूजुअली क्या करते हैं, मेरी लाइफ में मानो कोई चीज़ चल रही है, आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग विच इज अनफेवरेबल हैपनिंग इन योर लाइफ, नॉट सो गुड हैपनिंग, या कुछ भी अनप्लेजेंट सा चल रहा है आपकी लाइफ में, जो जो आप सबको बताते हो कि यार मेरी लाइफ में अच्छा नहीं चल रहा है, पता है ऐसा चल रहा है, पता है वैसा चल रहा है। हम क्या करते हैं, हम सबको बताते हैं अपनी लाइफ में। अब ये आप किसी एक फैमिली मेंबर को या फ्रेंड को बता रहे हो तो समझ आता है, यू नीड टू टेल दिस टू समबडी इन ऑर्डर टू वेंट इट आउट फ्रॉम योर सिस्टम। तो आपने एक बार बताया उनको, उन्होंने आपने अपने मन का हाल उनको शेयर करा, ठीक है, फाइन। पर हम क्या करते हैं, हम उसमें इतना डूब जाते हैं, इतना खो जाते हैं कि हम उसी को अपनी पूरी जिंदगी, पूरी रियलिटी मानते हैं। यार मेरे साथ तो हमेशा ही ऐसा होता है, मेरी तो लाइफ ही ऐसी है, मैं तो कभी भी पास नहीं होती, मैं तो एकदम फेलियर इंसान हूँ। यू फील दैट दिस इज योर रियलिटी, यू कीप ऑन टॉकिंग अबाउट इट एंड कीप ऑन मेकिंग इट योर रियलिटी मच मोर। उसकी जगह क्या करना है, ये कहानी है, मतलब ये जो सब मैंने लिखा है ये सब है 2019 की बात। और उस टाइम पे मेरे सीए फाइनल के एग्जाम्स थे और एक हमारे सीए फाइनल ग्रुप टू में सब्जेक्ट था कॉस्टिंग, जो कि मुझे समझ नहीं आता था। यार मैं जब क्लास में पढ़ती भी थी ना, तो मैं ऐसा आसपास वाले बच्चों को कहती थी कि यार ये कॉस्टिंग वॉस्टिंग हिसाब किताब तो बनियों को समझ आता है, मैं पंजाबी, फिर को कहाँ ही पल्ले पड़ रहा होगा क्या चल रहा है क्लास में। अब ये अगेन दिस वॉज वन ऑफ माई बिलीफ, और ये मेरा बिलीफ मुझे पूरा पूरा केटर कर रहा था, मुझे कुछ नहीं समझ आता था क्लास में क्या चल रहा है। बट डिस्पाइट ऑफ ऑल दिस, अब पेपर तो देने है ना, पढ़ना तो है ही उसको। अब मैं जब इसको पढ़ने बैठती थी, मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है, उसकी वजह से मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ, पढ़ नहीं पा रही हूँ। तो मैंने सोचा कि ऐसे तो नहीं चलेगा। अब एक होती है हमारी लाइफ में रियलिटी, जो कि एग्जिस्टेंस में चल रहा है अभी, माई करंट रियलिटी विच वॉज कि मैं कॉस्टिंग पढ़ रही हूँ और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मेरे 15 दिन बाद, 1 महीने बाद एग्जाम्स हैं, तो अब नहीं समझ आ रहा है, तो मैं सोच ही सकती हूँ ना आगे रिजल्ट क्या होगा। अब कोई भी नॉर्मल इंसान जो ये टेक्निक जो मैं बताने वाली, जो नहीं करता है वो क्या करेगा, वो यही सब बोलता रहेगा, यही सब करता रहेगा, यही सब सोचता रहेगा, अपने दोस्तों को भी यार समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा। डिस्पाइट ऑफ दिस ऑल मैंने सोचा कि मैं कुछ अलग करूंगी। तो मैंने ना एक लिखा एलिवेटेड पॉसिबिलिटी, यहां पर मैंने कहीं तो लिखा है, गिव मी अ मोमेंट टू, क्या हियर इट इज रिटन, मैंने यहां पर लिखा एलिवेटेड पॉसिबिलिटी। इसका मतलब आप लाइफ के किसी भी सिचुएशन सर्कमस्टेंस में हो, यू कैन टॉक अबाउट योर एग्जाम्स, योर फैमिली लाइफ, कुछ भी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, कहीं पर भी चल रहा हो, तो एक है आपकी करंट रियलिटी, उससे सर्टेन चीजें हो रही हैं। दूसरा है मैं सोचूं एलिवेटेड पॉसिबिलिटी, यानी कि इस आउटकम, इस चीज से बेस्ट आउटकम क्या निकल सकता है। एक तो मुझे पता है कि मैं पढ़ नहीं रही तो फेल हो जाऊंगी शायद। दूसरा मैंने क्या सोचा, मैंने लिखा कि पेपर उसी में, पेपर केम फ्रॉम दैट सेलेक्टेड एरिया इटसेल्फ, जो मैंने पढ़ा था। तो मैंने अपने दिमाग को बताया कि वो पढ़ते थे ना मैथ्स में, क्या था, प्रोबेबिलिटी, तो ये भी तो प्रोबेबिलिटी हो सकती है ना कि पेपर उसी में से आया जो एरिया में पढ़ के गई थी। दूसरा, इन गिवन टाइम आई डिड वंडर्स, वो जो 3 घंटे का समय मिला उस समय तो मेरे दिमाग में ऐसा हुआ कि मुझे सब आंसर याद आते जा रहे थे। उसके बाद इनफाइनाइट इंटेलिजेंस विद इन मी कीप ऑन गाइडिंग मी एवरी मोमेंट, वो 3 घंटे में जब मैं लिख रही थी तो एक इनफाइनाइट इंटेलिजेंस मुझे हर समय गाइड कर रही थी कि जो मैंने पढ़ा है सब कुछ रिकॉल हो रहा था। आई एम डायरेक्टेड टूवर्ड्स द बेस्ट, मैं जब जब भी पढ़ने बैठती हूँ कॉस्टिंग, तो हमेशा मैं बेस्ट क्वेश्चन, मतलब जो एग्जाम में आने वाले, सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन की तरफ मेरी नजर जाती है और मैं पढ़ लेती हूँ। एंड आई गॉट एग्जैक्टली द सेम क्वेश्चन, आई लेफ्ट होम कॉन्फिडेंटली एंड लेफ्ट एग्जाम रूम विद सेंस ऑफ रिलीफ एंड सेटिस्फेक्शन एंड बिलीव दैट येस आई एम अ सीए नाउ। तो मैंने लिखा कि जब भी मैं जैसे घर से निकली एग्जाम देने के लिए, तो मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट होकर निकली, और जब मैं एग्जाम हॉल से बाहर आ रही हूँ तो मेरे मन में एक अलग सा सेंस ऑफ रिलीफ है और सैटिस्फेक्शन है और बिलीव है कि यस इस बार मैं सीए बनने वाली हूँ। तो जब मैं पढ़ने बैठ रही हूँ, एक रियलिटी ये भी तो हो सकती है ना कि ये सब भी हो सकता है कि जो पढ़ रही हूँ वही पेपर में आ रहा है मजे ही मजे, और जो 3 घंटे में पढ़ा है वो सब कुछ रिकॉल हो रहा है मजे ही मजे, एंड मैं घर से निकल रही हूँ तो एकदम कॉन्फिडेंट मजे, एकदम बाहर आ रही हूँ तो मुझे सब कुछ ऐसे लग रहा है कि सेंस ऑफ रिलीफ की एकदम बढ़िया पढ़ के आई थी, बढ़िया लिख के आई हूँ। अब कोई बोलेगा कि यार ये तो एकदम झूठ बात है, ऐसा थोड़ी है। मुझे उस टाइम पर ये पता था कि जो मैं अभी हमेशा से हर अटेम्प्ट में नेगेटिव सोचकर एंक्शियस होकर आती हूँ, वो तो मेरी हेल्प नहीं कर रहा है किसी भी तरह से नहीं। तो अगर मैं इस बार अपने दिमाग को ट्रिक करके एक अलग रियलिटी के बारे में सोचूं कि ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है ना,
1% ही सही, कहीं किसी वर्ल्ड में 1% ही सही, बट दिस कैन बी पॉसिबल ना. कोई क्वेश्चन पढ़ा उसमें से, जो पेपर में पढ़ के गई थी वही आ गया पेपर में एग्जैक्टली, ऐसा भी तो हो सकता है ना. तो मैंने एक बार के लिए लाइफ में हर जगह पर ये अप्लाई करना शुरू करा कि मेरी जो एग्जिस्टिंग रियलिटी है मैं उसके बारे में ज्यादा बातें ना करके दिन में से कुछ समय निकाला करूंगी जहां में मेरी लाइफ की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है. दैट आई एम मेकिंग वीडियो और लोग उसको देख रहे हैं, लोगों को पसंद आ रही है, जो मैं बोल रही हूँ वो एक्चुअली लोगों की मदद कर पा रहा है, देश विदेश से लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं. ये भी तो हो सकता है ना. इफ आई एम स्टार्टिंग समथिंग, इफ आई एम स्टार्टिंग टू मेक वीडियोज, मैं हमेशा यही क्यों सोचूं वर्स्ट केस सिनेरियो की, कोई देखो यार खराब हो जाएगा. पता है क्या होता है, लेट्स से आप बहुत ही इंटेलेक्चुअल है और आपको लगता है ये सब बेकार की बात है, ये सबसे कुछ नहीं होता, तो अगर मैं वर्स्ट चीजें सोच के काम शुरू कर रही हूँ तो यार मैं मोटिवेटेड फील नहीं करूंगी. इफ आई टेल यू टूडे कि आप जो एग्जाम देने जा रहे हैं आप उसमें पास नहीं होने वाले, आपको मोटिवेटेड फील नहीं होगा. एंड ऑन दी अदर हैंड इफ आई टेल यू पता है तुम जो एग्जाम लिखने वाले हो ना, मैं कहीं से तो जादू शक्ति से पता करके आई हूँ तुम उस एग्जाम में पास हो रहे हो, पता है जो तुम गेम खेलने वाले हो ना तुम एकदम उसमें फर्स्ट आने वाले हो, द काइंड ऑफ एनर्जी यू विल फील आफ्टर लिसनिंग टू दिस विल बी नेक्स्ट लेवल. और अभी शायद रिजल्ट हुआ भी नहीं, हो सकता है मैं आपको झूठ बोल रही हूँ, पर मैंने क्योंकि आपको आके बता दिया कि पता है तुम जो काम करने वाले हो ना तुम उसमें बहुत सक्सेसफुल होने वाले हो, ये मैं फ्यूचर में देख कर आई हूँ, तो तुम्हारा मन करेगा काम करने का. और अगर मैं बोल दूंगी अरे भाई यार, आपको पता है लाइफ में ऐसा नीरस सा जीवन में अपने क्यों फील हो रहा है इस टाइम एट दिस वेरी मोमेंट, आपको लगता है मेरी लाइफ का कुछ खास पर्पस वर्पस नहीं है, मेरे कुछ जीवन में बात तो बन नहीं पाएगी, ऐसे ही मेरा जीवन चलेगा. यू आर फीलिंग दिस बिकॉज आपने अपनी लाइफ को एक विजन पॉसिबिलिटी के बेसिस पर कभी बनाया ही नहीं है. आप अपनी लाइफ में फ्यूचर को देख रहे हैं वो पास्ट के चश्मों से, यार यही पास्ट में होता है, यही मेरे घर परिवार में हुआ है, मेरे फादर की इतनी इनकम रही है तो मेरी भी इतनी रहेगी, मैं कोई ऐसा 30 मार खान थोड़ी जान हूँ ज्यादा, या व्हाट से मेरे दोस्तों ने इतना ही करा है तो मेरी लाइफ में भी ऐसे ही होगा. तो आपके रेफरेंसेस आ रहे हैं उन चीजों से जो आज तक लाइफ में होती आई हैं. पर एक चीज बताऊं, लाइफ की खूबसूरती और लाइफ का मजा ना हमेशा अनसर्टेन चीजों में है, जब वो अपने आप अनबॉक्स होती है. जब जब भी आप किसी को भी देख लो जो लाइफ में कुछ अलग कर रहा है, कुछ अनकन्वेंशनल कर रहा है, या कुछ एकदम से हटके कर रहा है जो कभी उसकी फैमिली में किसी ने नहीं करा था, उसके फ्रेंड्स में किसी ने नहीं करा था, जब वो करता है ना उसको बहुत सक्सेस मिलती है. क्यों? क्योंकि उस इंसान में करेज था अनसर्टेनिटी को एक्सप्लोर करने का. और ये कायनात, ये ब्रह्मांड हमेशा उसको रिवॉर्ड करता है जो अनसर्टेनिटी पर विश्वास करता है. लेट्स इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, मैं अगर जॉब छोड़ के क्विट करके अपना चैनल शुरू करने पे जा रही हूँ, दैट वॉज अनसर्टेन, आई हैड नो क्लू वॉट विल हैपन. अगेन द डिस्क्लेमर हेयर इज आई कंप्लीटेड माई डिग्री फर्स्ट, आई वॉज प्लेस्ड इन अ कंपनी एंड आई क्विट द कंपनी विद दिस कन्फर्मेशन कि मैं यहाँ पर वापस ज्वाइन कर पाऊंगी 6 महीने बाद अगर कुछ भी वर्कआउट नहीं करा तो. सो आई हैड माई सेफ्टी नेट एंड ऑल्सो मेरे पास बहुत ज्यादा ऐसा फैमिली, ऐसा नहीं था कि मैं कमाऊंगी तो मेरा परिवार चलेगा, थैंकफुली. तो ये सब चीजें ऑब्वियसली बहुत सारे फैक्टर्स कंसिडर करने होते हैं, पर बाकी सब कंसिडर करके एक बार के लिए आप अपनी अनसर्टेनिटी लाइफ में जो भी हो उसे एक्सप्लोर करके तो देख सकते हो ना. लेट्स से आपकी लाइफ में कोई रिश्ते हैं जो अच्छे नहीं चल रहे हैं, सो ऑलवेज थिंकिंग अबाउट कि यार ये अच्छा नहीं चल रहा है, वो अच्छा नहीं चल रहा है, ये ऐसा करता है, वो ऐसा करता है. एक शांत समय निकाल के बैठो दिन में एंड डू द स्क्रिप्टिंग हाउ यू वॉन्ट सिचुएशन टू बी. जैसे मैं यहाँ पर जब भी पढ़ती थी, अब ये एलिवेटेड पॉसिबिलिटी तो लिखती, अब दिमाग इतने साल से नेगेटिव सोचता आया है तो एक बार में तो पॉजिटिविटी मान ही जाएगा, तो मैं बीच बीच में लिखती रहती थी. ये जो मैंने इतना बड़ा सा दिखाया आपको, ये एक दिन का नहीं है, ये मुझे जब भी टेंशन होती थी मैं लिखती थी. जैसे मैंने लिखा है कॉस्टिंग के लिए ही कि आई एम फाइंडिंग कॉस्टिंग वेरी इजी, दिस सब्जेक्ट सेव्ड माई होल ग्रुप टू एंड हेल्प इन एग्रीगेट. मतलब कहाँ मुझे कॉस्टिंग समझ नहीं आ रही थी और मैंने लिखा कि इसने पूरे मेरा पूरा ग्रुप टू ही बचा लिया है, मेरा एग्रीगेट इसी ने बनाया है. कॉस्टिंग इज जस्ट सो इजी, आई कंप्लीटेड रिविजन वेरी फास्ट, आई एम फीलिंग गुड अबाउट दिस सब्जेक्ट, आई एम डायरेक्टेड टूवर्ड्स द बेस्ट, आई एम फीलिंग जस्ट सो गुड एंड कॉन्फिडेंट अबाउट दिस सब्जेक्ट. और ऐसे करके मैंने बहुत सारी चीजें लिखी हैं कि मुझे सब्जेक्ट बड़ा ही अच्छा लगता है, मेरा पढ़ने का बड़ा ही मन करता है, कॉस्टिंग तो मुझे यूं समझ आ जाता है. ये मैं क्या कर रही थी, ये मैं अपने ब्रेन को हर बार रीप्रोग्राम कर रही थी कि एक अलग रियलिटी भी एग्जिस्ट करती है, लेट्स फोकस ऑन दैट. और वेयर द माइंड गोज एनर्जी फ्लोज, आप जो चीजें सोचते जाते हैं वही लाइफ में होने लग जाती हैं. ये मैंने पहले अपनी लाइफ में किया, फिर मैंने वर्कशॉप में बहुत लोगों को करवाया, फिर मैंने अपने कोई फ्रेंड, जैसे कोई मुझे कहीं मिल रहा है, कोई बता रहा है कि अरे मुझे सब्जेक्ट बहुत अच्छा नहीं लगता, तो फ्रेंड ऑफ माइंड, और उन्हें बताया कि उनको कॉस्टिंग अच्छा नहीं लगता सेम, तो मैंने उनको ये चीज बोली, मैंने कहा पहले ना ये कहना बंद करो मुझे कॉस्टिंग नहीं अच्छा लगता है, स्टार्ट थिंकिंग एंड सेइंग कि यार कॉस्टिंग इज जस्ट अ सब्जेक्ट ना, कुछ बातें लिखी हैं और बातें मुझे समझ आ जाती हैं, मेरे को कॉस्टिंग अच्छा लगता है.
एंड समटाइम्स बैक आई मेट दैट पर्सन, उन्होंने मुझे मैसेज भी पूरा लिख के दिया था कि यू नो दैट वर्कड. मैंने एक बार के लिए सोचा कि कुछ भी काम नहीं करा तो ये अप्लाई करके देखते हैं, तो मैंने कहना बंद करा कि मुझे कॉस्टिंग नहीं अच्छा लगता. इंस्टेड आई स्टार्टेड सेइंग कि यू नो आई लाइक द सब्जेक्ट सो मच. इजी तो है यार कॉस्टिंग, कॉस्टिंग में इतना क्या है, बाकी सब्जेक्ट की तरह ये भी एक सब्जेक्ट है, कुछ बातें हैं. मैंने ऐसा कहना शुरू करा एंड टू ही सेड कि टू माई सरप्राइज आई एक्चुअली एंडेड अप क्लियरिंग द एग्जाम और वो क्वालिफाई कर गए हैं एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. तो इस चीज़ ने, जिस चीज़ ने मेरी मदद करी है, वर्कशॉप में बच्चों की मदद करी है, मेरे दोस्तों की मदद करी है, तो आपकी भी करेगा ना. This is the same thing I applied in almost every aspect of my life. That I, for some point in day, some moment, I stopped thinking about what my current reality is and I focused all my energy on it. कि क्या elevated possibility हो सकती है. मैंने उस outcome के बारे में सोचना शुरू करा जो मैं चाहती हूँ. अब कोई कहेगा कि हम ऐसा सुनते हैं कि आपको कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए. तो मैं हमेशा से, मैं साथ में वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए रेडी रहती हूँ कि जो होगा ना मैं मानूंगी कि ब्रह्मांड इस टाइम यही चाहता था या यूनिवर्स, भगवान इस समय यही चाहते थे, तो वही रिजल्ट आया. मैं पूरा रिजल्ट पूरे दिल से एक्सेप्ट करूंगी जो भी आएगा. पर ये सब प्रोसेस पता है कब करना जरूरी है? जब मैं उस काम को कर रही हूं. मैं किसी काम को करते हुए अगर बुरा फील कर रही हूं, टेंशन एंड एंग्जाइटी, मैं पढ़ाई कर रही हूं या कोई भी काम कर रही हूं, तो मुझे उसका अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाएगा क्योंकि मैं टेंशन वाली एनर्जी उस काम में डाल रही हूं, उसमें गार्निश कर रही हूं पूरी. तो जब भी मैं कोई काम कर रही हूँ, आई नीड इट टू बी ऑन हाई एनर्जी. राइट, आई एम रिकॉर्डिंग द वीडियो, आई एम फुल ऑन एनर्जी. अभी यही मैं आके डल वॉल्यूम बात करूंगी. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? मैं ठीक ठाक ही चल रही हूँ, आप बताओ कैसे हो? यू विल नॉट लाइक द वीडियो, यू आर लिसनिंग टू मी राइट नाउ. आपने यहां तक सुना क्योंकि मेरा एनर्जी अच्छा था. आई एम जस्ट फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ वाइब, तो वो आपको ट्रांसमिट हो रहा है. ऐसे ही हम जो भी लाइफ में काम करते हैं उसमें हमारी एनर्जी जाती है और उसी का रिजल्ट आता है जो रिजल्ट हमें दिखता है अपने सामने. तभी हम कई बार कहते हैं यार मैंने तो सारी एफर्मेशन लिखी, काम नहीं करी. क्योंकि आपने एफर्मेशन लिखी सिर्फ मन से, आप बिल्कुल डल फील कर रहे थे, आपको पता था ये सब झूठ है, कुछ काम नहीं करता है. सो फॉर अ चेंज स्टॉप थिंकिंग अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन योर लाइफ और थोड़ा सा फोकस करो आपको क्या चाहिए. यू एक्चुअली आर द क्रिएटर ऑफ योर रियलिटी. वो हम सुनते हैं ना, अहम ब्रह्मास्मि, मतलब मैं ब्रह्मा का ही अंश हूं. जो कायनात, जो ब्रह्मांड में चीजें हैं, वही चीजें मेरे अंदर भी हैं. तो मुझ में पूरी पूरी ताकत है अपने आसपास की चीजें क्रिएट करने की. यथा दृष्टि तथा सृष्टि, जैसी आपकी नजर होगी वैसे ही आपको नजारे दिखेंगे. ऑन दैट नोट, दिस इज सीनियर दत्ता साइनिंग ऑफ फॉर दिस वीडियो. सी यू सुपर सून इन द नेक्स्ट वन. और आप किस टॉपिक पर चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं, जस्ट डू लेट मी नो. और खुद से प्रॉमिस करो कि आज से आप खुद पर एक एहसान करेंगे. जो चीज़ें लाइफ में सही नहीं जा रही हैं उसके बारे में ज़्यादा ना सोच के आप क्या चाहते हैं उसके बारे में फोकस करेंगे और हमेशा थोड़ा सा ज़्यादा खुश रहेंगे. बिकॉज यू ऑल्सो डिजर्व टू बी हैप्पी एंड लव्ड, इजंट इट? ध्यान रखो अपना. बाय.